कुछ दिनों बाद आचार संहिता लगने वाली है। यहाँ पर राजस्थान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान के सामने कुछ चयनित अभ्यर्थी है जो फार्मिस्ट भर्ती से जुड़े हुए हैं। ये लगातार अपनी मांगों का विरोध प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कुछ अभ्यर्थियों से हम जानना चाहेंगे उनकी पीड़ा, इतनी धूप में भी ये अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे हैं। भैया सर, मैं भरतपुर से आया हूँ, मेरा नाम अभिषेक पांडे है। दो सन कम से कम हमारी भर्ती 2011 से अटकी हुई है और अभी इस स्थिति में हम ला दिए हैं कि आचार संहिता नज़दीक आ रही है और हमारी प्रोविजनल लिस्ट जारी नहीं हो रही है। कभी हमारा डेटा का विवाद आता है, कभी किसी का विवाद आता है। आज की स्थिति यह है कि सारी की सारी भर्तियों की प्रोविजनल लिस्ट जारी हो गई है और हमारी भर्ती पूरी होने के हमें आसार नहीं दिख रहे हैं। हमने कांग्रेस सरकार को इसलिए चुना था जिससे हमारी बात पूरी हो, लेकिन अब हमारी बातों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसीलिए हम यहाँ पर आंदोलन में हैं। भैया, आपको आश्वासन मिला सरकार से कोई? सरकार मात्र और मात्र घोषणा करती है, ग्राउंड पे कोई कार्य नहीं हो रहा है इनका। सिर्फ इन्होंने भर्तियों का दिखावा करने की 20,000 पदों पर भर्ती चल रही है, जबकि फार्मासिस्ट भर्ती की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई फाइल नहीं आगे बढ़ी है, ना ही प्रोविजनल सूची जारी हुई है। अगले 3 दिनों में आचार संहिता लग जाएगी। सभी फार्मासिस्ट इसीलिए आखिरी में थक हार के परेशान होकर आए हैं कि किसी तरीके से हमारी सूची जारी करो, वरना ये छलावा जो दिखा रहे हैं कि हमने इतनी भर्ती कर दी, इन्होंने कोई भर्ती नहीं करी। 5 साल में हमने कोरोना में 2 साल हम जान की बाजी लगा दी, 8,000 के अंदर हम सब 8,000 के कोरोना वीर हैं, हम सब ने 8,000 में जान की बाजी लगा ली। उसका इनाम हमारे साथ ये है कि हम आज अपने भूखे नंगे अपने परिवार को छोड़कर यहाँ पर बैठे हैं धरने के ऊपर, ताकि हमारी एक बार लिस्ट जारी कर दे, हम पे फूलमाला मत बरसाओ, हमें कोई इनाम मत दो, हमारी सिर्फ भर्ती पूरी कर दो, सिर्फ भर्ती पूरी कर दो, ये हमारा सरकार से अनुरोध है। सर, कितने पदों पर भर्ती थी ये? सर 3,067 पदों की भर्ती है, जिसका अभी तक जितने भी लिस्ट जारी हुए जिसमें सब लोगों की जारी हो गई है, सिर्फ फार्मासिस्ट की जारी नहीं की है इन लोगों ने। और कोई दिक्कत नहीं है, चारों तरफ से जो भी बात होती है सब तरफ से यही कहा जाता है कि भाई आपका काम चल रहा है, और अब तक कोई अधिकारी लोग भी कोई सही तरीके से हमको जवाब नहीं दे पा रहा है कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। लोग डेली आते हैं, कभी मंत्री जी के यहाँ जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, कोई स्पष्ट जवाब कोई भी नहीं दे रहा है और गुमराह किया जा रहा है। देखिए, अभ्यर्थी लगातार सरकार पर आरोप लगाते हुए नजर रहे हैं। कुछ महिला अभ्यर्थी भी यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे जानना चाहेंगे किन मांगों को लेकर आज ये प्रदर्शन कर रहे हैं। मैम, किन मांगों को लेकर आप यहाँ? परमानेंट के लिए। हाँ जी, 10 साल से भर्ती नहीं आई है, पूरी नहीं हो रही, हम लोग क्या करें, ये भी सरकार को सोचना चाहिए ना। सर, जयपुर से ही हम। कितने दिनों से आप संघर्ष कर रहे हैं? सर, संघर्ष तो पिछले 10 साल से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये भर्ती पूरी नहीं की, DVD वगैरह सब करा दिया हमारा, लेकिन अभी तक हमारे पे कोई नतीजा नहीं आया। लिस्ट जारी करेंगे करेंगे करेंगे, करते करते सर आचार संहिता लागू हो जाएगी। अब मैम, आपकी सरकार से बात वार्ता हुई है? हमारा प्रतिनिधि मंडल रोज कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार कोई हमें सकारात्मक जवाब नहीं दे रही है। 10 साल हो गए, 2013 में हमारी भर्ती आई थी जिसको भी उन्होंने अटका दिया था, 2016 में पूरी की थी, उसमें भी सीटें कम कर दी थी इस गवर्नमेंट ने आके हमारी। देखिए, महिला अभ्यर्थी भी लगातार सरकार पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी प्रमुख मांग है कि इनकी फार्मिस्ट भर्ती की प्रोविजनल लिस्ट सरकार जल्दी से जल्दी जारी करे। भैया, कुछ दिनों बाद हाँ जी, फार्मासिस्ट मेरे को तो अटकती हुई नज़र आ रही है, सरकार कुछ भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दे रही है। आप कहाँ से हैं? मैं बीकानेर से आया हूँ, और सरकार के इस तरह के रुख को देखकर मुझे नहीं लगता कि वो आचार संहिता से पहले हमारी नियुक्ति या भर्ती जो भी प्रोसेस चल रहा है वो पूरी कर पाएगी। मैं तारानगर से आया हूँ, 2-3 दिन से लगे हुए हैं, बाकी आज। देखिए, चयनित अभ्यर्थी लगातार प्रदेश भर के यहाँ पर जुटे हुए हैं। हमारे साथ इस संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष, उनसे बात कर लें। सर ये 10 साल से संघर्ष कर रहे साथी हैं, ये इनमें से आधे लोग अभी स्वास्थ्य भवन बैठे हुए हैं। 2013 में भर्ती आई, वो भी हम लोगों को पूरी नहीं हो पाई थी। 2018 में आई, सारे कैडरों की भर्ती कंप्लीट हुई, फार्मासिस्ट की भर्ती स्पेशली भाजपा सरकार द्वारा कैंसिल की गई। हम लोगों ने गहलोत सरकार को लाने का निर्णय लिया, इन्होंने MNDY योजना शुरू की थी, तो कहीं ना कहीं जाके हम लोगों की वास्तविक सुधरे और हम लोगों को भर्ती दोबारा से पूरी हो। 2018 के बाद में 22 में भर्ती निकली, 2-3 बार कैंसिल हुई, फिर ऐसे चलते चलते 2023 में भर्ती आई, उसको आगे बढ़ाया गया। आज स्थिति ये है कि 8 कैडरों की भर्ती में से 7 का काम चल रहा है, एक फार्मासिस्ट की भर्ती में कुछ ना कुछ ऐसे इशू क्रिएट किए जा रहे हैं आए दिन के, जिसके चलते आज हम लोगों को यहाँ सीखू पे आके धरना देना पड़ रहा है। और
सरकार ने किसी तरह कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया। जैसे आचार संहिता लगने वाली है तो कोई कैलेंडर जारी करे कि मान लो हम लोग लेट हैं ऑलरेडी, तो कहीं ना कहीं जाके आपको संतुष्टिपूर्वक जवाब दें कि ये आपकी भर्ती हम करके रहेंगे। तो सरकार अभी हम यहाँ बैठे हैं, आज यहाँ क्या बैठे हैं, हम सभी मंत्रियों से और MLA से सबसे अधिकारियों से मिल रहे हैं, किसी का कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं है। और 8 दिन पहले जो जवाब था अधिकारियों का या मंत्रियों का, वो अब बिल्कुल बदल चुका है। कुछ ना कुछ नया क्लू डेली क्रिएट किया जा रहा है। आज हम लोगों ने अभी यहाँ सीपू के अधिकारियों को, डायरेक्टर साहब को एक एप्लीकेशन दिया है अंदर मिलने के लिए, और एक डेलीगेशन जाएगा। वो आज क्या जवाब देते हैं उनके जवाब पर डिपेंड करता है। आज अगर उनका कोई नेगेटिविटी रहती है, कोई नकारात्मक जवाब आज भी रहता है, तो फिर हम इतने लोग इकट्ठे हुए, हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा स्टेप लेंगे कि सरकार को सोचने मजबूर करेंगे। सर कल आपने वहाँ स्वास्थ्य भवन के सामने प्रदर्शन किया था, उसको लेकर? नहीं, उसको लेकर अभी तक कोई सकारात्मक जवाब हमारे को सरकार की तरफ से नहीं मिला है, और उसी के चलते आज हम सीपू पर आए हैं। और यदि आज भी हमें कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिलता है या हमारी प्रोविजन लिस्ट जारी नहीं करते हैं, तो हम कल से आमरण अनशन पर यहीं पर बैठेंगे जब तक कि सरकार मेरी मांगे नहीं माने। हम सभी मीडिया से भी निवेदन करते हैं कि हमारी बात को माननीय CM साहब तक पहुँचाएँ, क्योंकि आज जिस स्थिति से हम गुजर रहे हैं, तो हमारी सबसे बड़ी एक नाकामी तो यह कि हम CM साहब से मिल नहीं पा रहे हैं, हमारी बात को कोई पहुंचा नहीं रहा है। हम सभी मंत्रियों से मिल रहे हैं, MLA से मिल रहे हैं, अधिकारी से मिल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल स्थिति CM साहब तक नहीं पहुंच रही है। CM साहब का ही एजेंडा था कि सारी भर्तियों को कंप्लीट किया जाए, आचार संहिता से पहले नियुक्ति दी जाए, लेकिन अभी वो चीज़ कोई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हमारी प्रोविजन लिस्ट भी जारी नहीं हुई है। अभी मीडिया प्रभारी आप हैं, आपसे मैं निवेदन करूँगा, जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे जो साथी है ना, एज फैक्टर ऐसा है कि हम लोग जब 2011 से इसमें लगे थे, MNDY शुरू हुई, तब से लेके आज तक कार्यरत हैं, 12 साल हो गए। आज सबका एज देखा जाए तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो 40 से नीचे हो। 40 से लेके 54 तक के लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है फार्मासिस्ट में। अब 54 और 45 वाले एज वालों को अभी भी अगर समाधान नहीं देती सरकार, तो ये लोग जीवन में क्या कर पाएंगे? सरकार के सामने बहुत बड़ी समस्या है, हमारी समस्या है, जो सरकार नहीं समझ पा रही है। इसके बाद हम लोगों के पास कोई चारा नहीं, ये हमारी लास्ट भर्ती है, ये करो मरो वाला सीन हो गया हमारे लिए ना, इसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। सरकार हमको थोड़ा सा ये लग रहा है, अभी कुछ अधिकारियों से मिले हैं, कल CMR में बात हुई तो उन्होंने बोला है कि सरकार अगले उसमें चांस देगी आपको, तो अगले उसमें चांस देने वाली तो बात ही नहीं है। जब 2 बार हम लोग बैकफुट पे गए हैं, ये जो कंडीशन आज देख रहे हैं, इस 2 बार बैकफुट पे जा चुके हैं, एक बार BJP गवर्नमेंट, एक बार आज फिर जा रहे हैं, तो 10 साल का पीरियड है, इसके बाद हम क्या भरोसा कर लें गवर्नमेंट हमको कुछ देगी? तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया से हम लोग लगातार दे रहे हैं इसमें, कि CM साहब तक हमारी आवाज़ सुनाएं डायरेक्ट, जिससे वो हमारी समस्या को समझें और इन लोगों को उचित दिशा निर्देश दें। ये जो सरकार हमारे साथ धोखेबाजी कर रही है, जो पिछले 2013 में भी की थी, अभी 2018 में भी वैकेंसी निकाल के ऐसा किया, और 2022 के बाद में 23 में ऐसा हो रहा है। यदि सरकार हमारी पूरी बातों को नहीं सुनती है, तो हमें कोई ऐसा स्टेप उठाना पड़ेगा ताकि हम सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचा सके, और हमारे सभी साथियों का जो आज ओवर एज होने जा रहे हैं, और जिन्होंने अपने जीवन के बहुमूल्य 10 से 12 साल तक एक अल्प वेतन के अंदर सरकार की योजनाओं को बहुत ही अच्छे तरीके से चलाया है, और इसी से सरकार ने अपनी वाहवाही लूटी है, और उसी आधार पर वो अपना वोट लेना चाहती है। उस योजना को हम लोगों ने चलाया, उसकी रीढ़ की हड्डी हम हैं, और आज सरकार हमको ही क्या कहते हैं कि दरकिनार कर रही है, ठीक है। तो ये इसी को देखते हुए हम लोग, यदि सरकार हमारे साथ में कोई न्यायपूर्ण नहीं करती है कुछ न्याय हमारे साथ, तो हम लोग यहाँ पर आमरण अनशन करेंगे, और सरकार से अपना हक मांगेंगे, और यदि सरकार हमारे हक नहीं देती है तो नो वोट, यदि वो हमारे को नौकरी नहीं देती है तो।